हाँ, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप का रेडियस है, उस रेडियस का नाम है आयोनिक रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गया ना? अगर यस यस सर। डेफिनेशन क्या है? क्या क्या कहा आपने बेटा? डेफिनेशन डेफिनेशन क्या रहेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ओके, तो सिंपल रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर है? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। नाउ मूव ऑन टू द आयोनिक रेडियस। अब हम बात करते हैं हमारे आयोनिक रेडियस की। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हा? अब आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होता है ये पता नहीं, या पहली बार मतलब पढ़ा है, या पता था? थोड़ा बहुत पता था सर। थोड़ा बहुत पता था, क्लियर हो गया वो? यस सर। लेकिन एक्चुअली वो इतना सिंपल नहीं है जितने सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे तैयार होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जो आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, स्पेसिफिकली केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में। गॉट इट? यस सर। समझे ना? बट कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको उतना ही ध्यान में रखना है जितना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। तो भाई आयोनिक रेडियस मतलब ये वाला रेडियस आप लोगों को किसके अंदर दिखाई देगा? किसके अंदर दिखाई देगा आयोनिक रेडियस? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयंस में दिखाई देगा। ठीक है, आयोनिक रेडियस किस में दिखाई देता है? आयंस में। कोवेलेंट रेडियस किस में दिखाई दे रहा था? कोवेलेंट कंपाउंड ये दिखाई दे रहा था। मेटालिक रेडियस किस में दिखाई देगा? मेटल। वैन डर वाल्स रेडियस किस में दिखाई देगा? ग्रुप 18 एलिमेंट्स या फिर नोबल गैसेस में। और एटॉमिक रेडियस किस में दिखाई देगा? एटम, ऑल एटम्स में। बराबर है? क्लियर है? यस सर। तो अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस जो कि हम लोग को आयंस में दिखाई दे रहा है। तो भाई सबसे पहले तो मुझे बताइए आयंस क्या होते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं आयंस क्या होते हैं। बताइए आयंस क्या होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल। क्या होते हैं आयंस? नहीं सुनाई दे रहा। आयंस ऑफ टू चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मॉलिक्यूल होते हैं तो फिर उसको आयंस क्यों बोल रहे भाई? कुछ तो खास बात होंगे ना उसमें। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, तो सिंपल वर्ड में आयंस जो होते हैं चार्ज्ड स्पीशीज होता है। क्या होता है आयंस मतलब? चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, डजंट रियली मैटर। अब सेकंड मेरा सवाल कि आयंस फॉर्म कैसे हो रहे थे, ये भी मैंने समझाया था आपको। आयंस कैसे तैयार होते हैं? पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। वो तो टाइप्स ऑफ आयंस हो गए ना, मैंने पूछा आयंस। चलो ठीक है, तो आयंस आप लोग ने बताया मुझे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सवाल, पॉजिटिव आयन कहते हैं और निगेटिव आयन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन इज कैश आयन, कैटायन इज कैटायन कहते हैं।
ओके, और निगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायंस। ओके, अब नेक्स्ट सवाल, आयंस तैयार कैसे होते हैं, मतलब ये कैटायन कैसे तैयार होगा और एनायन किससे तैयार होगा? कैटायन इज फॉर्म टू रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो ये हम लोग को पता है। ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये एटम है, कंसिडर कीजिए कि दिस पर्टिकुलरली एटम थ्री पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन इन दिस आउटर मोस्ट शेप, और ये ए नाम का एक एटम है। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि ये ए नंबर का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और जिसके वजह से इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बराबर है? यस सर। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम कैटायन एटम कहते हैं। ठीक है, अब अगर यही पर्टिकुलरली एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो इस पर्टिकुलरली एटम में अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? फोर जाएंगे, जिसके वजह से अभी इस ए के ऊपर में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। ओके, अब जो हमारा कंसेप्ट था कि एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बराबर है, डन, राइट। यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन, ये आयन है, क्लियर है? यहाँ पर भी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर ऑर्बिट डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस। ओके, अमित कुमार थोड़ा सा म्यूट हो जाओ बेटा। अमित कुमार, लीला ग्लोरी गजल, आप थोड़ा सा म्यूट हो जाइए। थैंक यू। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, क्योंकि ये एटम था, बराबर है? तो इस एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक के डिस्टेंस को मैंने एटॉमिक रेडियस कहा था। ठीक उसी तरह ये एक आयन है, बराबर है? अनुपम, यस सर, keep yourself muted please। तो ठीक इसी तरह से ये एक आयन है, भले ही कैटायन हो या एनायन हो, doesn't really matter, this one is an ion, और इस आयन के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, that particularly distance will be called as the ionic radius। okay, तो in this way ionic radius का simple meaning क्या होता है, वही मीनिंग होगा जो एटॉमिक रेडियस का था, मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। ठीक उसी तरह से आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज एन आयनिक रेडियस। तो समझ में आ गई आपको डेफिनेशन? Now you can unmute. जब मैं कुछ पूछता हूँ तो अनम्यूट हो जाइए। समझ में आ गई डेफिनेशन? Once again. Okay, fine. So, do you get the definition of atomic radius पता है ना? Yes. क्या है atomic radius की definition, बताइए? Atomic radius की definition क्या है? Distance between the center of nucleus to the outermost orbit. Center of nucleus to the outermost orbit, the outer orbit
ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, राइट। ये था, क्लियर है? तो यहां पर अभी आयनिक रिंग्स की डेफिनेशन में क्या चेंज आ जाएगा, सिर्फ एटम की जगह आयन आ जाएगा, इज इट क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज अ आयोनिक रेडियस, इज इट क्लियर? यस सर। एज वी नो दैट द आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स, आयन्स दो टाइप्स के होते हैं, कौन से आयन्स होते हैं दो टाइप्स के? कैटायन एनायन। सो इसका मतलब अगर आयन दो टाइप के रहेंगे तो आयोनिक रिंग भी दो टाइप का रहेगा, राइट? जैसे अगर मैं आयोनिक रेडियस कैटायन के लिए कंसीडर करूंगा तो इस पर्टिकुलरली रेडियस को मैं कैटायनिक रेडियस कहूंगा, सही है? रेडियस ऑफ एन कैटायन इज कॉल्ड एज अ कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। ठीक उसी तरह से यहां पर क्या होगा, द आयोनिक रेडियस ऑफ एन एनायन कॉल्ड एज अ anionic radius, anionic radius, right? इसका मतलब हमारे पास ionic radius कितने टाइप के रहेंगे? two type. कौन से रहेंगे? cationic radius and anionic radius. Now do maybe अगर आप लोगों को पूछा गया what is definition of cationic radius, तो क्या होंगे definition of cationic radius? क्या होंगे? सेम डेफिनेशन होंगी क्या? यही द डिस्टेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ कैटायनिक रेडियस है तो क्या लिखेंगे? ऑफ अ कैटायन, राइट। और उसी तरह से आयनिक रेडियस की डेफिनेशन में होंगी तो डेफिनेशन सेम रहेंगी, सिर्फ क्या हो जाएंगी? ऑफ एन एनायन बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मतलब डेफिनेशन की पैटर्न बहुत सिर्फ एक एक वर्ड आप लोगों को चेंज करना है। क्वेश्चन अराइजेस कि भाई इस तरह से मेरे पास तीन अलग अलग टाइप के रेडियस है, एक एनायनिक रेडियस आ गया, एक एटॉमिक रेडियस आ गया और एक कैटायनिक रेडियस। रेडियस आपको कंसीडर कर ले कौन कौन से? एनायनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस। देख रहे हैं कि तीनों भी ए वाली चीज से बने हुए हैं। ओके, नाउ डू टेल मी ये तीनों का जो रेडियस है, ये तीनों जो रेडियस है कौन कौन से? तीनों रेडियस एनायनिक, एटॉमिक और कैटायनिक, ये तीनों रेडियस सेम रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो डिफरेंट मतलब कौन छोटा रहेगा और कौन बड़ा रहेगा? बिग, कौन बड़ा रहेगा? एनायन बड़ा रहेगा। ओके वेरी गुड, देन से बड़ा रहेगा, फाइन। देन उसके बाद में नेक्स्ट कौन बड़ा रहेगा? एटम, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बड़ा रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कौन बड़ा रहेगा? एटॉमिक रेडियस बड़ा रहेगा। और सबसे छोटा कौन रहेगा? कैटायन रेडियस, कैटायन रेडियस। ओके, कैटायनिक रेडियस। ओके, तो ये है आप लोग का। अच्छा ये समझ में क्या, किसको क्यों ये बड़ा है क्यों ये छोटा है? ये क्यों है वो छोटा क्यों है समझ में आ गया है आप लोगों को? हाँ या ना? नो सर। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज,
बेटा कोमल कीप म्यूटेड यार। तो जैसे कि हम लोगों ने देख चुके ऑलरेडी कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। कैसे? जैसे देखिए जब हम लोगों ने ट्रेंड देखा था एटॉमिक रेडियस का अक्रॉस द पीरियड में, याद है? तो आप लोगों ने क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, याद है? कि अक्रॉस द पीरियड मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले क्या बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्या बढ़ता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता था मैंने? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बराबर है? डन। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से फिर साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज साइज, एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज हो जाता है, बराबर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि देखिए एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इन लोगों का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो रहता है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। अब अगर हम बात करते हैं एटम, कैटायन और एनायन की, ओके? तो यहां पर ध्यान दीजिए, कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक एटम है जिसके पास तीन प्रोटॉन है और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सही है? yes, सही है। अब नेक्स्ट अगर मैं कैटायन कहता हूं, कैटायन मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कंसीडर करो कि मैंने इस कैटायन के एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ओके? कितना पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ कि इस पर्टिकुलरली कैटायन में प्रोटॉन कितने रहेंगे? कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? थ्री। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? टू रहेंगे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एनायन, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे? थ्री। तीन रहेंगे। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? फोर। तो आप देखिए यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा बोला है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर है? राइट। बट यहाँ पर तीनों जगह प्रोटॉन्स तो सेम है, राइट? तीनों जगह प्रोटॉन्स तो है ना, तो फिर न्यूक्लियर चार्ज इन तीनों का कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए तीनों का? सेम। सेम होना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कैसे? कि प्रोटॉन्स तो सभी में सेम रहेगा, चेंज क्या हो सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स या तो कम होंगे या तो बढ़ेंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो प्रोटॉन की जो एबिलिटी रहेंगी खींचने की वो क्या होगी? कंसीडर कीजिए, पहले मेरे पास ये तीन इलेक्ट्रॉन थे और मैं ये तीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी तरफ, ठीक है? उसके बाद में क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया और फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो आपको क्या लगता है दोनों भी केस में इलेक्ट्रॉन को मेरी खींचने की एबिलिटी सेम रहेगी या कम ज्यादा रहेगी? कम रहेगी। ज्यादा रहेगी, तो बताओ एबिलिटी कब ज्यादा रहेगी? मैंने तीन इलेक्ट्रॉन खींचा तब या फिर जब मैंने दो इलेक्ट्रॉन को खींचा तब? तीन खींचे तब। तीन खींचे तब मेरी एबिलिटी खींचने की कम या ज्यादा? ज्यादा थी, तीन थे तब। तीन इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा तो ज्यादा खींच पाऊंगा और दो को कम लग रहा है आपको? भाई सोचो आप लोगों को ना सुनना है, ठीक है? टग ऑफ वॉर खींच रहे हम, टग ऑफ वॉर, क्लियर है? रस्सी, रस्सी खींचने का गेम खेल रहे हैं। अभी एक साइड में कंसीडर कीजिए, एक साइड में रस्सी के एक साइड में एक बंदा है, ओके? और एक साइड में राइट नाउ दो बंदे हैं, फिर दूसरे केस में
एक साइड में एक बंदा है और दूसरे साइड में तीन बंदे हैं, तो बताओ भाई ये जो दो बंदे मिलकर एक बंदे को अपनी तरफ खींच रहे और यहाँ तीन बंदे मिलकर एक बंदे को अपनी तरफ खींच रहे, तो कौन से केस में ये बंदा ज्यादा नजदीक जाएगा? तीन इसमें तब ये बंदा ज्यादा नजदीक आएगा, क्योंकि इसमें तीन जनों का जोर सही है ना? Yes. अरे हाँ, अब यहाँ पर भी केस करो, जैसे पहले केस में तीन बंदे मिलकर तीन लोगों को खींच रहे हैं, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, कितने बंदे हैं? तीन बंदे हैं, कितने बंदों को खींच रहे हैं? दो बंदों को खींच रहे हैं। और थर्ड में तीन बंदे मिलकर कितने बंदों को खींच रहे हैं? चार बंदों को खींच रहे हैं। तो बताओ भाई कौन से केस में ये तीन बंदे ज्यादा खींच पाएंगे? दूसरे, जब तीन बंदे मिलकर दो बंदों को खींच रहे थे तब ये ज्यादा आ जाएगा, मतलब कैटायन का रेडियस सबसे जितना नजदीक खींचेगा उतना रेडियस क्या होगा, जितना नजदीक खींचेगा उतना रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो इन केस ऑफ कैटायन रेडियस क्या होगा? कम हो जाएगा, हो जाएगा। और एनायन में देखो तीन बंदों को मिलकर चार बंदों को खींचना पड़ रहा है, तो वो खींच पाएंगे क्या तीन बंदे मिलकर चार बंदों को? नो सर, नो। तो चार बंदे मिलकर तीन को अपनी तरफ खींच लेंगे, बराबर? यस सर, यस। रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, यस सर, राइट। That's why anionic radius जो रहेगा वो बड़ा रहता है और एटोमिक रेडियस इन दोनों के बीच में रहता है, इसीलिए सबसे बड़ा कौन रहेगा? anionic radius, उसके बाद में एटोमिक रेडियस, सबसे छोटा कैटायनिक रेडियस। क्लियर है, समझ में आ गया अभी आपको? ओके, दैट्स गुड। हाँ, तो अभी इतने टाइप के हमारे रेडियस हो गए सारे के सारे, तो अब हम थोड़ा सा ओवरऑल ऑर्डर आप लोगों को बताना है। तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब कितने डाइस के रेडियस हो गए वो पहले बताइए मुझे, कितने डाइस के रेडियस हो गए हमारे पास अभी बताइए? 3, 4, 5। टोटल कितने डाइस के रेडियस हो गए? नाम के साथ बताइए। चलो पहला रेडियस एटॉमिक रेडियस। देन नेक्स्ट कौन सा रेडियस था? एटॉमिक रेडियस। मेटालिक रेडियस के बाद में कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट कौन सा रेडियस था हमारे पास? आयोनिक रेडियस। बट आयनिक रेडियस में कितने टाइप के रेडियस थे मेरे पास? दो टाइप के, एक था एनायनिक, बराबर है? एनायनिक मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और एक था पॉजिटिव चार्ज। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। Tell me the decreasing order of all these radius. ये सभी radius का decreasing order बताना है। बताओ decreasing order. वेरी गुड, सबसे बड़ा होता है वैंडरवॉल रेडियस, वेरी गुड। उसके बाद में कौन सा होता है? एटॉमिक रेडियस। देन ये मेटालिक रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस, देन ये आयोनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस।
ओके, या फिर आयनिक रेडियस में इस साइड में लिख लेता हूँ ओके, और एक कैटायनिक रेडियस बताओ। अब वैन डर वाल रेडियस के बाद में नेक्स्ट बड़ा रेडियस कौन सा दिखाई दे रहा है? एटॉमिक रेडियस। अरे बेटा ये मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा दिखाई देगा आपको? ये कोवेलेंट रेडियस बराबर है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा दिखाई देगा आप लोग को? ये वाला। ये कौन सा रेडियस है? एनायनिक रेडियस। देन नेक्स्ट कौन सा दिखेगा? ये एटॉमिक रेडियस। एंड फाइनली आप लोग को कौन सा रहेगा? एनायनिक रेडियस, सॉरी कैटायनिक रेडियस। क्लियर है? यस सर। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ द रेडियस। इज इट क्लियर? यस। ओके फाइन। तो देखिए अभी वैसे तो मुझे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, लगभग सारा का सारा ही पढ़ाना था, बट छोड़ दो अभी, आज सिर्फ एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाए। चलो कोई बात नहीं, तो बाकी का हम लोग कल कर ले। अभी कल कर ले। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। वैसे अभी ना मैं थक गया, क्या बात था। ठीक है बेटा, चलो सी यू देन टुमारो एग्जैक्टली एट 3 o'clock। फाइन। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय।